हिमाचल में भी लोकसभा चुनावों की तिथियां तय होती ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी नेताओं पर जमकर तीखा हमला बोला है। प्रेम कौशल ने सांसद अनुराग ठाकुर को बतौर सांसद पूरी तरह से विफल करार दिया है और आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों के नजदीक आनन फानन में उद्घाटन और शिलान्यास करवाए गए हैं। कौशल ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हो रही है, जिससे अब जनता भी निजात पाना चाहती है। प्रेम कौशल ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के एम्स को लेकर अपने ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर हमला किया था और एम्स का श्रेय लेने के लिए सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच होड़ लगी रही है। उन्होंने कहा कि पहले दोनों तय कर लें कि एम्स का श्रेय किसे लेना है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर पिछले कई सालों से अपनी हाई प्रोफाइल कामों के चलते जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, जिस कारण अब लोकसभा चुनावों में जनता इसका हिसाब चुकता करेगी। अनुराग का जहां तक प्रश्न है, अनुराग जी तो जो बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल है उसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर भी हमला किया था कि दोनों के बीच एक कंपटीशन है। नड्डा जी कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जो एम्स है वो मैंने मंजूर किया है, तो उधर अनुराग जी कहते हैं कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, सांसद के तौर पर इसकी मंजूरी मैंने करवाई है। तो पहले तो दोनों फैसला आपस में कर ले, स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के सांसद, कि इसका श्रेय किसको लेना है, स्वास्थ्य मंत्री को लेना है या सांसद अनुराग ठाकुर को लेना है। अनुराग ठाकुर जिस तरह की हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वो पॉलिटिक्स का जमाना अब चला गया। अब लोग अपने प्रतिनिधि को, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, अपने करीब देखना चाहते हैं, अपने समीप देखना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए देखना चाहते हैं, और इस कसौटी के ऊपर कहीं भी अनुराग ठाकुर जो है वो खरे नहीं उतरते। अनुराग जी का जहां तक संबंध है, सांसद के तौर पर अनुराग ठाकुर पूर्णतः असफल रहे हैं, विफल रहे हैं। आज हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको मंजूर किया था। आज जब लोकसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं तो आनन फानन में उसका शिलान्यास किया गया, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने से ज़्यादा कुछ नहीं है। एम्स की बात अगर हम करते हैं, बिलासपुर में प्रधानमंत्री एक वर्ष पूर्व उसका शिलान्यास करके गए, एक ईंट नहीं लगी। और अब जैसे चुनाव नज़दीक आने का समय हो गया, तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पहले से ही शिलान्यास हो चुका था उसका फिर से भूमि पूजन कर दिया। अब हमारी समस्या और लोगों की समस्या परे है कि शिलान्यास और भूमि पूजन में अंतर क्या है। प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं और विभाग का मंत्री एक साल के बाद भूमि पूजन करता है। तो लोगों को बेवकूफ बनाने की और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की जो राजनीति हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर और देश के अंदर हो रही है, इससे देश की जनता और प्रदेश की जनता अब निजात पाना चाहती है।